अच्छा कार्यक्रम के अध्यक्ष आमचे दादा श्री मुजुमदार साहेब आमचे मित्र एमएचे अध्यक्ष रवि वानखेड़कर जी विद्याताई श्री राजीव जी रजनीताई गुप्ते उपस्थित सर्व डॉक्टर्स नर्स या क्षेत्रातले सर्व संबंधित बंधूंनो आणि भगिनींनो दादाज मला आपल्या प्रिमायसेसमध्ये येऊन खूप आनंद वाटला. मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर. थोड़ा मेरा आवाज भाषण करून करून खूप आवाज बसलेला आहे माझा सध्या. थोड़ा समझून घ्या. रवि जी राजू जी आपने पहले ही कहा कि हम लोग आपसे कुछ मांगेंगे नहीं. एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब मिनिस्टर्स अपने यहाँ प्रोग्राम में आते हैं और हम दो चार पाँच दस मांगे उनके सामने रख देते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए. लेकिन आपने पहले ही कहा कि हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स हो गया. लेकिन ये बात सही है कि सिम्बायोसिस शासन से क्या मांगेगा, उल्टा हम ही आपके पास मांग सकते हैं जो भी मांगना है. दादा ने 1971 में एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज 2018 में जा रहे हैं. आज बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष सिम्बायोसिस का आप लोग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. मैं हमेशा रास्ते से ही जाता था मुंबई से पूना, तब सिम्बायोसिस का नाम पड़ता था. पूना में भी मैं बीएमसीसी कॉलेज में पढ़ाऊँ दो साल, तब भी सिम्बायोसिस का मैं दूर से देखता था. लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी तब मुझे. बड़ा कॉलेज है, बहुत नाम है. लेकिन आज मुझे यहाँ आपने बुलाया, जब विद्याताई मुझे इनविटेशन देने वहाँ पर आई निमंत्रण देने के लिए, तब मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कह दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा. थोड़ा मैं पीछे जाऊँगा. मेरे पिताजी भी यहीं पढ़े हैं, उन्होंने उसमें एमएससी एग्री किए थे. यहाँ खादी उद्योग खादी ग्रामोद्योग जो है वहाँ पर सर्विस में भी थे. ये बहुत मेरे जन्म के पहले की है, 1952-53 उस समय की बात है. उनकी भी बहुत इच्छा थी मैं भी साइंस फैकल्टी लूँ. मैं साइंस फैकल्टी में भी गया. उनको ऐसा लगता था डॉक्टर होना चाहिए, उनकी इच्छा थी डॉक्टर होना चाहिए. लेकिन एक्सीडेंटली मैं थोड़ा मेरा ट्रैक चेंज हो गया. मैं एबीपी बीजेपी शुरू से आरएसएस ट्रैक चेंज हुआ. उनको इस बात का हमेशा दुख था. मैं 5 बार चुन के आया हूँ. मैं 25 साल से एमएलए हूँ, ग्रामीण भाग से हूँ, इलाके से हूँ. हमारे पूना के उनके जब भी दोस्त आते थे, बहुत बड़ा मित्र परिवार उनका है, जब भी वो आते थे पूना से वहाँ अजिंठा देखने, अजिंठा के बाजू में मेरा गाँव है जामनेर करके जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, तो कहते सब अच्छा हुआ लेकिन मेरा लड़का अच्छा नहीं निकला. उनको पॉलिटिक्स से बहुत राइवलरी थी. उनको बहुत ऐसे लगता था कि ये सब बदमाश लोग हैं, नालायक लोग हैं, ये निकम्मे हैं, इनको कुछ काम नहीं होता है. उन्होंने कभी वोटिंग भी नहीं किया. मैंने उनको हाथ पर जोड़ के मैं खड़ा हूँ, मुझे वोटिंग तो करो. तो वो पहली बार वोटिंग को आए थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे. वहाँ पर हमारे स्कूल थे, फिर उसके बाद यहाँ से बाद हमारे वहाँ खेती थी. हमारे ग्रैंड फादर उनको वहाँ पर लेके आए, फिर वहाँ पर वो टीचर्स की नौकरी उन्होंने की पूरे, फिर आखिरी तक रिटायरमेंट तक वही टीचर्स करके रहे. बहुत सख्त थे, बहुत डिसिप्लिन थे. तो उनको ये कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ. मैं एक बार एमएलए बना, 2 बार बना, 3 बार बना, तीसरे बार पूना से उनके सब दोस्त आए, वो लगते थे अच्छा लगता है. गिरीश का नाम हम लोग टीवी पे देखते हैं कि हमारे महाजन का लड़का है, कुछ ना कुछ उधम मदद रहता है, कुछ ना कुछ मांगे. अपोजिशन में था ना, तो अपोजिशन का काम यही था. तो सब नाम लेते, लेकिन वो कहते नहीं नहीं मुझे बहुत दुख है, मैं इससे बिल्कुल समाधानी सुखी नहीं हूँ. ये बहुत निकम्मा है, दिन भर लोगों को लेकर घूमता है, बैठता है, यही काम करता है, काम धंधा कुछ करता नहीं, अच्छा पढ़ा नहीं, ऐसे मुझे कहते थे. और आप संजोग देखिए, मुझे डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया. मैंने कॉमर्स फैकल्टी ले ली. साइंस फैकल्टी मैंने ली थी पहले. मैं 11th में फैकल्टी से 11th में गया, जामनेर में हमारा कॉलेज था. और वहाँ जाने के बाद इलेक्शन लग गया और हमारे एक टीचर थे साइंस के, बहुत वो भी सख्त थे कोल्ले करके. उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो फॉर्म भर दिया था इलेक्शन का, तब पूरा जनरल इलेक्शन होता है, 11th 12th FY SY TY जनरल इलेक्शन होता, जनरल वोटिंग होता था.
तो मैंने फॉर्म भर दिया कॉलेज का इलेक्शन के लिए. उन्होंने आके लिस्ट देखी और कहा कि भाई साइंस में जो जो भी स्टूडेंट है वो कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, यहाँ खाली होशियार बच्चों का ही काम है, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं, कोई रिकामा काम नहीं होगा. तो मैंने कहा सर मेरे तो फॉर्म भर दिया, मुझे तो खड़ा रहना है. उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप फॉर्म पीछे ले लो. बोला सर मुझे खड़ा रहना है. तो बोले नहीं आप यहाँ खड़ा नहीं रह सकते, साइंस में रह के आप खड़ा नहीं रह सकते. सर मैंने अगर कॉमर्स ले लिया तो. बोले आप बन सकते. बोले फिर मैंने तुरंत नोटबुक मेरा उठा लिया और वहाँ से मैं निकल गया और मैंने फैकल्टी चेंज कर ली. अब तब से फिर मैं 11th में भी चुन के आया, 12th में भी चुन के आया, 5 साल यहाँ BMCC में आया, वहाँ भी चुन के आ गया. ये गुण मुझ में पहले से ही थे. वहाँ भी 5 बार चुन के आया 5 साल. अभी 25 साल से 5 बार मैं MLA भी बन गया हूँ. मैं यहाँ पर निरंतर चुन के आया और अभी पहली बार मुझे मौका मिला कि इरीगेशन जैसा बड़ा पोर्टफोलियो और मेडिकल एजुकेशन जैसा एक अच्छा पोर्टफोलियो जो मेरे बहुत पसंद का है, मेरी प्रायोरिटी इसी को थी, वो भी CM साहब ने, पार्टी ने मुझे दे दिया है. आज हम डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिम्बायोसिस के बारे में बात कर रहे हैं. सिम्बायोसिस के बारे में मैंने कहा कि उसके लिए कहने के लिए तो मेरे पास कुछ वर्ड नहीं, शब्द नहीं है. दादा की मेहनत, उनकी लगन. आज ये प्रीमाइसिस मैंने पहली बार यहाँ पर देखा है, 300 एकड़ में. विद्या मुझे बता रहे कि 300 एकड़ में प्रीमाइसिस है. आज पूरे देश में सिम्बायोसिस फैला हुआ है, इनका कारोबार फैला हुआ है, इनका काम, इनका नाम पूरे देश में है. एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं. दादा ने जो यहाँ पर बातें कही फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, अपने इमोशनल फिटनेस के बारे में बात की, सही बात है. और मैं डॉक्टरों के लिए तो यही कहूँगा कि आपका अगर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस अच्छा रहे तो पेशेंट का भी अच्छा रहेगा. अगर अपना ही फिटनेस नहीं है तो आप लोगों को क्या देखोगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने फिटनेस के ऊपर भी ख्याल देना चाहिए. मेरे फिटनेस की आपने बात की, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन शुरू से लेके, मैं यूनिवर्सिटी स्टेट खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था, मैं रेसलिंग करता था, मैं अच्छा स्विमिंग हूँ, मैं जनरल चैंपियन कॉलेज का था. और तभी से आज तक भी मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ. मेरे सब शेड्यूल है खाने के, रहने के, सभी सभी, तो वो मैंने मेंटेन रखा है. तो मुझे लगता है ये सभी का काम है, मेंटल फिटनेस हो ये तो सभी का काम है, क्योंकि हमने रखना ही चाहिए. फिजिकल फिटनेस की तरफ ख्याल देना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा काम कर सकेंगे, पूरे कैपेसिटी से काम कर सकेंगे. और आप तो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के बारे में तो ये है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स का भी मेंटल फिटनेस बहुत बढ़ चुका है. कुछ कुछ लोग इतना काम करते हैं कि खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते हैं. आए मैंने उनका ख्याल रखना चाहिए. वानखेड़ साहब को मैं कहूँगा आपने उनका ख्याल रखना चाहिए. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ साथ बहुत बदलाव हो रहा है और हम भी बदल रहे हैं. हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं. पहले की स्थिति जब थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज की स्थिति, इस पर बहुत फर्क है. नए नए रिसर्च हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं. इसलिए हमारे देश में भी बहुत सारे बदलाव मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ पर आए हुए हैं. और इसके साथ में मुझे लगता है कि हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी बदलना पड़ेगा. डॉक्टर वाडकर साहब ने यहाँ पर कहा कि आज डॉक्टर्स कितने बदल रहे हैं, आज उनकी संख्या कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, तो ये सोचने वाली बात है. आज अपने बाहर कंट्रीज के बारे में भी बताया, बाहर देश के बारे में भी आपने बताया कि वहाँ कैसी फैसिलिटी. आज सही बात है, आज हमारे देश की आबादी हम लोग देखें तो 125 करोड़ के लगभग जा रही है. और आज डॉक्टर की संख्या हम लोग देखेंगे जो विश्व का मानांक है, उससे हम कंपेयर करें तो हमारे डॉक्टर की संख्या भी बहुत कम है. हमारा प्रयास है, अभी हमने देखा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए. हमने जलगांव में तो हब निकाल लिया, अभी मेडिकल हब निकाल लिया, उसकी परमिशन आ गई. चंद्रपुर में निकाला, गोंदिया में निकाल लिया है, हम रत्नागिरी में निकाल रहे हैं. हमारी कोशिश ये है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए. जो सामान्य मानुष, सामान्य आदमी है, आम आदमी है, उसको ये सेवा देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है. लेकिन आज दुर्भाग्य से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से लोगों को सेवाएँ मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही है. हम भी इसमें कई कमी है. आज हम नंदुरबार जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, नासिक है, ठाणा है, जहाँ ट्राइबल्स एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, आज वहाँ पर क्या परिस्थिति है. आज वहाँ भी लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं. वहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर हमने दे के रखे हैं लेकिन वहाँ कोई एक रूम की व्यवस्था तक नहीं है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह तो बहुत दूर की बात है.
अगर कोई बीमार होता है डिलीवरी के लिए, हमारी कोई बच्ची होती है तो उसको पूरा एक लकड़ी में ऐसा पूरा चादर बांधते हैं, उसको अंदर डालते हैं, दो लोग आगे दो लोग पीछे, ऐसा उसको उठा के 5-5, 10-10 किलोमीटर ला रहे हैं। ये आज की स्थिति है, ये हम लोग देख रहे हैं। आज भी ऐसे के दुर्गम भाग है, ऐसे ट्राइबल भाग है, एरियाज हैं कि जहाँ पर आज हम ये सेवा नहीं दे पा रहे। शिक्षा की भी व्यवस्था कम ज़्यादा अधिक स्तर पर ऐसी है। मुझे लगता है इसमें बदलाव आना चाहिए। हमारी कोशिश है, ये शासन की कोशिश है, माननीय मोदी जी की कोशिश है, माननीय सीएम साहब की कोशिश है कि इसमें बदलाव आना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस भाग में भी डॉक्टर जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल ग्रामीण भाग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, रूरल एरिया में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। आज हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, हम वांट्स कर रहे हैं लोग, तो आपको जाना चाहिए, MBBS होने के बाद में एक साल आप उन लोगों को ले दो, कि लोग बॉन्ड तोड़ देते हैं, हम पैसा दे देंगे लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। इनको भी सेवा देने का काम हमारा है, आपका भी। डॉक्टर्स की तरफ लोगों को देखने का रवैया अलग है, आपकी तरफ लोग देखते हैं तो भगवान के रूप में देखते हैं। पहले डॉक्टर को ही भगवान मानते थे लोग। अगर कोई बीमार गिरता है, कोई सीरियस होता है, किसका एक्सीडेंट होता है, तो आखिर भगवान याद नहीं आता है, डॉक्टर ही याद आता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं साहब, आप ही हमारे लिए भगवान हो, आप ही हमारे बच्चे को बचाओ। तो आज भी डॉक्टर्स का स्थान जो है वो लोगों के मन में, आम आदमी के मन में भगवान का है। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कहीं तो भी आजकल उसके लिए भी थोड़ा गलत कुछ हो रहा है। मानकर साहब आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज थोड़ा दाग ऐसा लग गया है हमारे क्षेत्र में भी, हमारे विभाग में, जो कट प्रैक्टिस के बारे में मैं कहूँगा कि कट प्रैक्टिस का ऐसा एक दाग हमारे ऊपर लग गया है। कुछ लोग है समाज में, हमारे विभाग में, जो कट प्रैक्टिस के पीछे पड़े हुए, फिर वो गांव से लेके तो मुंबई तक, पुणे तक, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तक पूरी इनकी लिंक है। मुझे उसको भी रोकना चाहिए। IIM कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल कोशिश कर रही है, हमारी सबकी कोशिश है। और मैं इस बारे में तो बहुत सख्त हूँ, दुर्भाग्य से मुझे इसके बारे में कानून बनाना पड़ रहा है। हम लोग अभी एक बिल ला रहे हैं अगले सेशन में कट प्रैक्टिस के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी की तरफ हमें देखना है। हमारा केंद्र बिंदु आम आदमी है, गरीब आदमी है। अगर वो सफर होता है तो कतई हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि शासन ने, हमने पहल की है, पहली बार हमने पहल की है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स क्या कहेंगे, बहुत लोग अपोश में जाएंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उन्हें क्यों जाए? जिनको कट प्रैक्टिस करना है, जिनको गलत तरीका अपनाना है, वो लोग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम हमने उठाया है, और सभी के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं इस क्षेत्र में कि जिनके वजह से अपना ये जो पेशा है, ये डॉक्टरी पेशा है, ये बदनाम होने जा रहा है। तो लगता है हमें उसे भी रोकना है। इस क्षेत्र में बहुत सारी खामियां थी। 3 साल से मैं इस विभाग का मिनिस्टर हूँ, मैंने पदभार लिया है एडमिशन के लिए, आप लोग देख रहे पहले क्या था अभी क्या हुआ है। हमने नीट को अपनाया है, एग्जाम हम लोग ले रहे हैं, आज पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है। पहले ऐसा था कि डोनेशन दो कोई भी डॉक्टर बनो, 50-60% वाला स्टूडेंट डॉक्टर बनता था, क्यों? तो उसके पास पैसा था। और जो गरीब का बच्चा है, 80% है, 90% वो नहीं बन सकता था, क्यों? तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास डोनेशन नहीं है, उसके पास भरने के लिए इतनी फीस नहीं है। हमने सब पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया है, हमने नीट को अपनाया, हमने कोटे बहुत सारे कम कर दिए है। अभी गरीब का बच्चा रहेगा, कोई मजदूर का बच्चा रहेगा, अगर स्कॉलर है, उसमें टैलेंट है, तो डॉक्टर बन सकता है, आज वो बन सकता है, वो पहले नहीं बन सकता था। बहुत कोशिश हुई पहले, लेकिन कुछ स्टॉलवर्ड हमारे में ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में भी है, राजनीति में भी है, जिनकी संस्थाएं थी उन्होंने नहीं होने दिया। आज हमारी सरकार आ गई, मुझे खुशी है। माननीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने पहल की, माननीय राज्य सरकार ने पहल की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की, और हमने ये कर जो फीस है उस पर कंट्रोल लिया, जो एडमिशन्स है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लाया है। जिसके पास पैसा भी नहीं होगा, टैलेंट होगा, वो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं था पहले, और ये होता भी नहीं था अगर हम मिनिस्टर नहीं बनते थे। क्योंकि अगर जिनके कॉलेज है, जिनकी यूनिवर्सिटी है, वही अगर रूलिंग पार्टी में है, वही मिनिस्टर है, तो कैसे होगा? अभी हमारे पास तो स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना हमारे कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। वो हो या ना हो, लेकिन एक अपनी एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई अच्छे बच्चे, मेरिट के बच्चे डॉक्टर बनेंगे।
और आगे सेवा उनके अच्छी मिलने वाली है। अगर 50-60% वाला अगर अमीर बच्चा अमीर बाप का बच्चा अगर डॉक्टर बनता है तो आगे चल के वो क्या उसमें टैलेंट रहेगा, क्या सेवा देगा, ये भाव हमारे मन में। इसलिए हमने पूरी सिस्टम को हमने चेंज कर दिया। फीस के बारे में सत्य हमने फी रेगुलेशन 68 बना दी है। कोई कुछ लोग नाराज़ होते हैं इससे, बोले अब हम बोले नहीं करेंगे एडमिशन, नहीं करेंगे, ये करेंगे थोड़ा बहुत, तो हम दो कदम हम लोग भी पीछे जाते हैं, दो कदम हम आगे भी जाते हैं, वो भी आगे पीछे। लेकिन अभी शुरुआत की है, मुझे लगता है आज पहल हुई है और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स आने चाहिए, यह हमारे क्षेत्र में कोशिश है। बहुत सारे बदलाव, मैं बहुत सारे बदलाव इस क्षेत्र में कहूँगा। आज हम लोग रिसर्च की तरफ, मेरा डिपार्टमेंट जो है मेडिकल एजुकेशन से, मैंने आज भी ससुन हॉस्पिटल में वहाँ पर हमारी मीटिंग थी, सभी डीन को मैंने बुलाया था। रिसर्च भी होना चाहिए, हमारा काम ये नहीं कि बस पेशेंट आए हमने उसको चेक किया, उसको दो दवाई दे दी, उसको गोली दी और ठीक हो गया। लेकिन मेडिकल एजुकेशन का मतलब भी ये है कि हमारे कोई संशोधन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। आज दुनिया भर में हम लोग देखते हैं, हम अमेरिका तरफ देखते हैं, बाहर के देशों तरफ हम लोग देखते हैं, यूरोप कंट्री तरफ देखते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ का देखकर हम लोग यहाँ करेंगे तो जायज नहीं है। हमारे देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे देश की बीमारियाँ क्या है, हमारे देश के लोग कैसे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की जरूरत, इस पर रिसर्च होना चाहिए। अमेरिका ये गोली दे रही इसलिए हम ये करेंगे, वो ये कर रहे इसलिए हम करेंगे, मुझे लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखकर, हमारे यहाँ की परिस्थिति देखकर हमें क्या करना चाहिए। आज डॉक्टर वानखेड़े के सामने बताया कि दुनिया भर में कितने डॉक्टर हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब होशियार लोग हैं, करने की ताकत है, हिम्मत है। आपने कहा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए, सही बात, हमने भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखो तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंजीनियर कहाँ के हैं, साइंटिस्ट कहाँ के हैं, डॉक्टर्स कहाँ के हैं, ये सब टैलेंट इंडिया का है, हमारे लोग बाहर हैं। मुझे लगता है अगर हमने कोशिश की तो हम अपने देश को बदल सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो कोशिश अभी होने जा रही है। देश में बदलाव आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एक सिम्बायोसिस जैसी इंस्टीट्यूट यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा यहाँ से बना हुआ डॉक्टर ये हमारे लिए एक बड़ा देन है, देश के लिए है, राज्य के लिए है। मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि यहाँ से जो भी बच्चा बाहर निकलेगा, यहाँ से जो भी स्टूडेंट हर क्षेत्र का हो, वो पूरा कंप्लीट मैन होकर निकलने वाला है। मुजुमदार सर के बारे में मैं मिला ज़्यादा समय नहीं, मुझे मतलब पहली दूसरी बार ही मिला हो, लेकिन मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मैंने इनके बारे में सुना है, इनका काम, इनका शिक्षण क्षेत्र में जो योगदान है, जो इनका एक डिवोशंस है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर इनको किस चीज़ की जरूरत होती तो बहुत बार, क्योंकि बाकी लोग मेरे पास सभी जो भी सब डीन्स है, जो भी यूनिवर्सिटी के ओनर्स है, मालिक है, सब मेरे पास बहुत बार आते हैं, मतलब महीने में 2 बार 4 बार 5 बार आते हैं, साल में तो 10-20-25 बार आते हैं, ये सर कभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए मेरे से। प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। बाप के लोग अब किस चीज़ के लिए आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, मैं ये बात यहाँ पर नहीं कहूँगा, सभी को निजी स्वार्थ है। लेकिन सिम्बायोसिस ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जिनको कोई निजी स्वार्थ नहीं है, शिक्षा एक में उनका सिद्धांत है शिक्षा, और उसको लेकर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट एक यहाँ पर काम कर रही है। और आज मुझे यहाँ पर आपने निमंत्रित किया, मुझे आने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आगे और पता नहीं कब आना होगा, बुलाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप जब जब भी बुलाएंगे तब मैं ज़रूर आऊँगा। और इंस्टीट्यूशन को जो भी जिस काम की भी ज़रूरत हो, जिस बात की भी ज़रूरत हो, गवर्नमेंट की कोई हेल्प लगती हो, हमारी तरफ से कुछ भी हो, तो आप हमें कभी बताइएगा, हम जो जो भी आपका काम होंगे पूरा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आज फिर से मैं आपका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, मुझे प्रीमाइसेस देखने का भी मौका यहाँ पर, ये भी मौका तो नहीं मिला, लेकिन एक बार मैं खास एक दिन निकाल कर यहाँ पर आऊँगा और पूरा प्रीमाइसेस का जायजा भी करूँगा। इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।